22 थानों की पुलिस उनके घर की जांच कर रही है कल एक बिना किसी वारंट के, क्या लग रहा है सरकार फंसा रही है क्या? देखिए गलत सही के बारे में हम मूल्यांकन नहीं कर सकते, कोर्ट है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पहले अनंत सिंह 10 साल तक इनके साथ थे, तब 47-56 ललन जी को, नीरज जी को, अन लोगों को नज़र नहीं आता था। पहले अनंत सिंह दूध के धुले हुए थे, ये लोग बहुत अच्छे थे, खराब थे ये लोग। आज इसकी NI अभी भी आरा में XML के यहाँ घर पे छापा मारा था, MLC के यहाँ, वो भी इन्हीं के दल से हैं। उनके बारे में ये क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? मुंगेर से 547 बिक्री हुई है, जिसमें 300 नेताओं के घर में 47 है। इसके पहले इन्हीं के MLC 2000 कारतूस गया में पकड़ाए थे, जो सप्लाई करता था नक्सली को। लगातार कोई है कुछ जो बयान आया हुआ, एक MLA जो आरा के हैं वो 47 सप्लाई करते हैं। तो मेरा तो सीधा आरोप है कि कई बार क्या कारण है, ये लोग सब महात्मा गांधी हैं, ये गोपालगंज के कौन पांडे, सुनील पांडे, नहीं नहीं गोपालगंज के पप्पू पांडे, तुम्मल सिंह, ये अजय, ये सभी लोग दूध के धुले हुए हैं क्या? ये जितने माफिया लोगों का कितना 47 है इनको पता है? जिनको ये मंत्री बनाते हैं उनके हस्बैंड के पास कितना 47 है उनको पता कर लीजिए ना, किसके किसके पास 47 है। तो ये ज़बरदस्ती आप जो वेंडेटा, पॉलिटिकल वेंडेटा आप करिए, मैं इस चीज़ के पक्ष में, आनंद जी अच्छे हैं खराब हैं, मैं इसका कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस तरीके से आप, क्या है, एक बड़े पदाधिकारी और नेताओं के परिवार की पोस्टिंग करा करके जैसे मनाए हम वैसे करें, तब तो सब अपने अपने रिश्तेदारों का पोस्टिंग आप करा लीजिए DSP और थाने के रूप में, काहे किसी चीज़ों की पारदर्शिता की जरूरत है? मैं स्पष्ट मानता हूँ कि क्या उनको रिपोर्ट है, लगातार जिस तरीके का बयान उनका आया था कि हेमोपैथी और एलोपैथी इलाज हम कर देंगे, तो भैया इलाज आप उनसे पूछिए कौन इलाज करवाने कर रहे हैं, जो उनके साथ नहीं रहेगा उनको मरवा देगा, उनको क्या करेगा? मैं गलत को आप कुछ भी कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं कंप्लीट रूप से सरकार के स्टैंड के साथ रहूँगा गलत आदमी के खिलाफ, लेकिन ये माफिया तो इनको नज़र नहीं आता, कभी इनका स्टैंड रहता है शराब पर, जमीन, दोनों माफिया पूरा का पूरा बिहार कब्जा किया हुआ है, बालू माफिया से लेके सारा माफिया ये मस्त है, और एक आदमी पर लगे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये न्यायालय देख रही है और सब कुछ देख रहा है, मुझे लगता है कि हर पार्टी को ऐसे तरीके का विरोध करना चाहिए। मैं इस तरीके का विरोध करता हूँ, कंडम करता हूँ कि आप टारगेट करके किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए आप किसी के को ख़त्म कर दीजिए। कल तक हमाम में सब नंगे थे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, कल तक ये बहुत अच्छे थे, बाढ़ से MP का चुनाव लड़ते थे नीतीश जी, तो पूरा का पूरा साथ में घुमाना, सपोर्ट लेना, अन्य लोगों का सपोर्ट लेना, और तब तक घंटों घंटों एक रूम में गुटबैया करते थे ललन जी और अनंत जी, एक दूसरे के पूरक थे, और आज ललन जी और चुनाव लड़ लिए ललन जी के खिलाफ तो एकदम दुश्मन बन बैठे। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ और इस तरीके के पक्ष में नहीं हूँ, इस पर सभी पार्टी को बोलना चाहिए, कल कोई नहीं बचेगा।